भारत में आज भी एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो जीवन भर कमाई करता है और रिटायरमेंट के बाद उसका आनंद लेता है। दिनेश कुमार जैन उनमें से नहीं हैं। 12 साल पहले वे बैंक में क्लर्की की नौकरी से रिटायर हुए और अपने रिटायरमेंट का मज़ा समाज को कुछ देकर कर रहे हैं। उन्हें असल समाज सेवी कहा जा सकता है और वे इंदौर की एक ऐसी समस्या में काम कर रहे हैं जो कि बड़ा रूप लेते जा रही है। दिनेश जैन साहब को मैंने छावनी चौराहे पर देखा। वैसे तो मैं उन्हें 2 साल से देखता आ रहा हूँ, लेकिन आज मेरा मन किया कि उनका साक्षात्कार किया जाए, उनसे जाना जाए कि आखिर वे क्यों इस मार्ग पर चले हैं। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इंदौर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ का यातायात भी बिगड़ रहा है। छावनी चौराहा वहाँ अक्सर जाम लग जाता है, चारों ओर के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, और ख़ासकर शाम के समय में और सुबह के समय में। तो वे सुबह और शाम को 3-3 घंटे वहाँ ट्रैफिक वार्डन बनकर सेवाएं देते हैं। इससे अच्छा रिटायरमेंट कुछ और नहीं हो सकता। मैं गौरीशंकर दुबे आपके लिए वहाँ गया था। यदि आपको यह शो पसंद आए तो जैन साहब को भी अप्रिशिएट कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश कुमार जैन। कहाँ रहते हैं आप? अग्रवाल नगर नई भूमि। कितने साल के आप? मैं अभी 72 साल का हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं बैंक में था। कौन से बैंक में? स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में मैं सर्विस में था। क्या, किस पद पर? क्लरिकल में था मैं। अच्छा, कब रिटायर हुए? और वहाँ से मैं 11 साल पहले रिटायर हुआ। तो ये काम कब से कर रहे हैं आप? ये मैं 4 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, कब से संभाल रहा हूँ? कब से कब तक? सुबह भी 2-2.5 घंटे रहता हूँ। अच्छा, और शाम को भी मैं 2.5 घंटे रहता हूँ। अच्छा, परिवार वालों की सहमति से? परिवार वालों की सब सहमति है, सब रिश्तेदारों की भी सहमति है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में पत्नी और बेटा बेटी हैं। क्या नाम है उनके? शादी हो गई है। नाम क्या उनके? उनके नाम है रितेश जैन, बेटे का नाम, और बेटी का नाम है पूजा जैन। और पूजा हमारी जो बेटी है वो 420 पापड़ वालों के यहाँ उसका सम्मान करा हुआ। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको ये काम करने की? ये प्रेरणा मेरे को, क्योंकि मैं रोड देखता था, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, ट्रैफिक काफ़ी चलता है शहर में और काफ़ी लोग परेशान होते हैं और कई जगह ट्रैफिक जाम होता है, और लोगों का मैं ये सोचकर सेवा कर रहा हूँ कि लोगों का तो ही जो फ्यूल का खर्चा है वो काफ़ी बचता है, और साथ में देश की फॉरेन एक्सचेंज की समस्या बहुत हल हो रही है। देश का फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी उसमें बचत हो रही है, और पर्यावरण को भी बहुत बड़ा सहारा मिल रहा है, पर्यावरण भी काफ़ी कम होता है। ये सब सोच कर ही मैंने यहाँ पर समाज सेवा का काम शुरू करा। ये धूल धुएं में रहते हो, आपको कोई कष्ट तो नहीं होता? कोई कष्ट नहीं है। आपको किसी ने सम्मानित करा? अभी तक किसी ने सम्मानित नहीं करा। वैसे कई लोगों ने बोला मुझे, पर मैंने उनको कई लोग कर दिया कि साहब मैं दिल्ली समाज सेवा के लिए आया हूँ, कोई तरह की राजनीति या नेतागिरी करना नहीं चाहता हूँ। कई लोग आपकी बात नहीं मानते, बुरा तो नहीं लगता? नहीं, कोई बुरा नहीं मानता। अच्छा, सबको अच्छा। आपके आने के बाद क्या सुधार हुआ यहाँ पर? यहाँ पर काफ़ी सुधार हुआ है। अच्छा, अब ट्रैफिक जाम नहीं लगता, ना सुबह भी ना शाम को। क्योंकि आपके पास वर्दी नहीं है तो लोग वो तो नहीं करते हैं अपमान? नहीं, कोई अपमान नहीं करता। अच्छा, एक दो छोटे मोटे, एक दो कभी कभी आ जाते हैं। अच्छा, बाकी सब साधारण तौर पर अच्छी तरह से यहाँ पर ट्रैफिक चलता है। ठीक है, धन्यवाद।